नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के onlyrb.com के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी कई हफ्तों से हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और आपका रिस्पांस हमें मिल रहा है। हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों, इसी तरह आपका साथ बनाए रखिए, हमें लाइक करिए, हमें शेयर करिए और दोस्तों हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगामी वीडियोस में भी आपसे मुलाकात होती रहे और हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में आपको और आपके सगे संबंधियों, यारों, दोस्तों, जो भी आपका नेटवर्क है, सब लोगों को पता लगता रहे। तो दोस्तों, इस चैनल में आपको नए नए वीडियोस मिलते हैं जो कि आयुर्वेद से संबंधित हैं, जो हमारे डेली रूटीन में हमें जिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है उनसे लेकर के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन तक का उपचार हम आपको सुझाते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कुशल तरीका है बीमारियों से लड़ने का और बहुत ही हमारा जो हमारे भारत की जो आयुर्वेद पद्धति है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं उन पर आधारित है। तो दोस्तों, आप इनको ज़रूर आजमा के देखें जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आयुर्वेद पद्धति में किसी भी मेडिसिन का या किसी भी दवाई का, किसी भी प्रिपरेशन का आपको कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों एक बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर के है, लेकिन गुण बहुत बड़े बड़े हैं। छोटी सी चीज़ और गुण बड़े। तो दोस्तों, स्टीम के बारे में आज हम बात करेंगे, जो फेस को हम स्टीम देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की जो दिनचर्या है हमारी, वो बहुत ही भाग दौड़ वाली है, दौड़ धूप वाली है। हम काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, हमें अपनी स्किन का ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम जैसे आउटिंग का भी होता है तो उनको खास तौर से स्किन की जो है दिक्कतें आती हैं। धूल मिट्टी, धूप और जो है रेडिएशन को एक्सपोज्ड होती है उनकी स्किन, तो इस वजह से हमारी स्किन्स में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनको हम स्टीम के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं और स्टीम के क्या बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेद में क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं स्टीम के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि स्टीम का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरह से लाभकारी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टीम के कुछ फायदे हैं स्टीम लेने के, जिसे भाप भी कहते हैं, भाप लेना। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम हो या फिर त्वचा की देखभाल, भाप लेना एक बेहतरीन कारगर प्रक्रिया होती है, हम सभी जानते हैं, और बगैर किसी साइड इफेक्ट के और स्वास्थ्य और सेहत के फायदे पाने के लिए आपको जरूर पता होगा कि भाप लेने से जो है ये फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, जो भाप लेने के या स्टीम लेने के मेन मेन चुनिंदा से फायदे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो सर्दी जुकाम और कफ होने की स्थिति में भाप लेना एक रामबाण उपाय है। भाप लेने से न केवल आपकी सर्दी ठीक होगी बल्कि गले में जमा हुआ कफ भी आसानी से निकल जाएगा और आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, एक और जो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बेनिफिट है भाप लेने का, त्वचा की गंदगी को हटाकर अंदर तक त्वचा की सफाई करने का काम करती है भाप। तो ऐसे में त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है, प्राकृतिक चमक प्रदान करती है भाप, और ये मतलब एक बेहतरीन तरीका है आपकी स्किन की देखभाल करने का। और इसमें आप ये देखिए कि कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आप मेकअप नहीं लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई क्रीम नहीं यूज हो रही है, तो आपकी स्किन को मतलब किसी किस्म का भी कोई नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि आपको जो है एक फ्री मिलने वाला एक ऐसा ये नुस्खा है जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग बन जाएगी और साफ हो जाएगी। दोस्तों, अस्थमा जैसी स्वास्थ्य की समस्याओं में भी भाप लेना काफी फायदेमंद साबित होता है। तो डॉक्टर्स भी ऐसी स्थिति में भाप लेने की सलाह देते हैं ताकि मरीज को सांस लेने में जो है राहत मिले। दोस्तों, चेहरे की मृत त्वचा को हटाने एवं झुर्रियों को कम करने के लिए भाप लेना एक बढ़िया उपाय है। दोस्तों, हमारी स्किन निरंतर बदलती रहती है, जैसे कि जो सबसे ऊपरी लेयर है वो टिश्यूज हैं, डेड हो जाते हैं तो वो लेयर निकल जाती है और नीचे से नई लेयर आती रहती है। तो उसको जो डेड टिश्यूज हैं या डेड सेल्स हैं स्किन के, उनको हटाने के लिए भी, जब स्किन सूखी हुई तो नहीं हटते हैं, तो उसके लिए भी हटाने के लिए भाप लेना एक बहुत कारगर उपाय है। उसको भाप लेकर के आप हल्के से उसको रिमूव करेंगे तो डेड सेल्स आराम से निकल जाते हैं और त्वचा में एक नई ताजगी देखने को मिलती है और फ्रेशनेस मिलती है और त्वचा में एक नमी, जो कि मॉइस्चर, जिसके लिए हम कई किस्म के मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, वो एक प्राकृतिक नमी भी त्वचा में बरकरार रहती है। और दोस्तों, अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो बिना किसी देर किए आप भाप लेना शुरू कर दीजिए।
इसमें रोम छिद्रों में जमी गंदगी और निकल जाएगी, जिससे कि आपकी त्वचा साफ हो जाएगी। दोस्तों, त्वचा की समस्याएं होती ही त्वचा में गंदगी फंसने की वजह से हैं, त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और इस बारे में दोस्तों हम कुछ टाइम पहले एक काफी डिटेल में एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें कि डिटेल से बताया गया था कि त्वचा के रोम छिद्र यानी पोर्स जो है कैसे बंद हो जाते हैं, उनके बंद होने के क्या कारण होते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों वही एक बार दोबारा से वही टॉपिक डिस्कशन में आ रहा है, तो लेकिन शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि त्वचा में बहुत छोटे छोटे बारीक रोम छिद्र होते हैं, जिसमें से कि पसीना बाहर आता है, ऑयल बाहर आता है, और जो तो अनवांटेड जो त्वचा की अनवांटेड चीजें होती हैं, ऑयल्स वगैरह, वो भी बाहर आते हैं। और दोस्तों हम क्रीम्स वगैरह लगा के अक्सर इन रोम छिद्रों को बंद कर लेते हैं, जिससे कि हमें खुद को ही नुकसान होता है। क्रीम एक ऊपरी देखने में एक दिखावटी चीज है, लेकिन अंदरूनी तौर पे त्वचा को नुकसान करती है। ग्रीसी नेचर होता है क्रीम का, जिससे कि त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देती है और त्वचा सांस लेना बंद कर देती है। तो ऐसे में त्वचा में फिर कील, मुहासे और तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों भाप, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, भाप इसके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर आप भाप लेते हैं तो भाप आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगी और स्किन में जो भी रोम छिद्रों में जो भी अनवांटेड डिपोजिशन है वो रिमूव हो जाएगा, जिससे कि आपकी त्वचा साफ हो जाएगी और ग्लो करने लगेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि भाप एक बहुत ही कारगर उपाय है हमारी त्वचा को ठीक करने के लिए। और त्वचा ही नहीं, बल्कि आपको जैसा कि बताया गया जुकाम और गले के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कफ हैं, उसमें भी भाप बहुत ही कारगर उपाय है। कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, आपने बस 2 गिलास पानी लेके उबाल लेना है, भाप ले लेनी है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं है। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करके देखें, एक मुफ्त में मिलने वाला उपाय है, कुदरती चीज है, और इसके जो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो इसके फायदे होने वाले हैं, वो बहुत ही दवाइयों से भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इसको जरूर करके देखें। और जाने से पहले दोस्तों आपसे एक बार फिर आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो हैं आपके साथ साथ आपके जो सगे संबंधी हैं, यार दोस्त हैं, जो लोग आपके टच में हैं, उन तक भी पहुँच सके और वो भी इसका फायदा ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।